पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी ड्राइव में फोल्डर कैसे बनाते हैं और इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, जिसमें हमने ये इंडियन मूवीज फोल्डर बनाना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डेटा ट्रांसफर, कॉपी या मूव कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। आप जिस किसी भी फोल्डर से डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको ओपन कर ले। जैसे कि मैं वॉलपेपर्स अभी ओपन करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर्स फोल्डर में ये वॉलपेपर्स है जिसमें कुछ ये ऑडियो फाइल्स है। तो अगर आप एक फाइल को कॉपी करना चाहें तो एक फाइल पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा फाइलें कॉपी करना चाहें तो आप इस प्रकार माउस ऊपर रख के फर्स्ट बटन प्रेस करके और सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी फाइलें कॉपी करना चाहें, जैसे कि मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा, तो ये सारी फाइलें सेलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए मैं ये सारी फाइलें उस फोल्डर में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, यानी कि कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और ये जो आपको कॉपी दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करूँगा, और जिस फोल्डर में मैं कॉपी करना चाहता हूँ उसको ओपन करूँगा। जैसे कि एक जैसे जो इंडियन मूवीज़ है उसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी फाइलें इसमें आ गई, इंडियन मूवीज़ फोल्डर में आ गई। बैक करके इस फोल्डर में भी देख सकते हैं कि उसकी कॉपी अभी भी है। ये आप देख सकते हैं कि इस वॉलपेपर्स में भी इसकी कॉपी है, यानी कि इसकी दो कॉपी हो गई है, एक तो इंडियन मूवीज में और सेकंड वॉलपेपर्स में। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डेटा मूव करना या कट पेस्ट करना। तो उदाहरण के तौर पर वापस वॉलपेपर्स ओपन करेंगे और ये जो आपको वॉलपेपर्स और ऑडियो फाइल्स दिखाई दे रही है, अगर आप इसे मूव करना चाहें, यानी कि यहाँ से हटा के दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र करना चाहें, तो उन फाइल्स को या डेटा को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं ये सारी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं इन सब को सेलेक्ट कर लूँगा और अब राइट क्लिक करके इस बार मैं कट पे क्लिक करूँगा, यानी कि यहाँ से हटा के मैं दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो उन फाइल्स को मैं कट करूँगा और वापस और जिस फोल्डर में इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ वो ओपन करूँगा। जैसे कि ये इंडियन मूवीज़ है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके और पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा वॉलपेपर से हटकर इंडियन मूवीज़ में आ गया। जैसे कि अब मैं वॉलपेपर ओपन करूँगा और ये आप देख सकते हैं कि ये जो वॉलपेपर फोल्डर है ये खाली हो गया और यहाँ का सारा डेटा ट्रांसफ़र होकर इंडियन मूवीज़ फोल्डर में चला गया। यानी कि कॉपी और कट में ये डिफरेंस है कि कॉपी जब आप करते हैं तो डेटा कॉपी होकर दूसरे फोल्डर में चला जाता है, यानी कि जो पिछला फोल्डर होता है उसमें डेटा रहता है, लेकिन अगर आप कट करेंगे तो पिछले फोल्डर से डेटा मूव होकर, यानी कि सारा डेटा पिछले फोल्डर से तो हट जाएगा और जिस फोल्डर में आप रखेंगे उसमें आ जाएगा, यानी कि एक फोल्डर में रहता है और दूसरे में खाली हो जाता है। तो इस प्रकार आप डेटा कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कंप्यूटर कोर्स से जुड़े और वीडियो के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।